मेरे हिसाब से इस गाड़ी को लेना ज़्यादा वर्थ बन जाता है, क्योंकि भाई जो आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड मिलेगी, ऑडियो सिस्टम कंपनी फिटेड मिलेगा, प्लस जो मेन मैं बात कह रहा था टायर साइज़ की ना, R12 से आपको यहाँ पे R14 का अपग्रेडेबल टायर मिल जाता है। बस हाँ ये चीज़ है भाई कि टॉल बॉय नहीं इसको हम कह सकते, जैसा वैगनार में आपको अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, यहाँ पर हाइट थोड़ी सी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल PS मोटो हब में। तो भाई आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया मारुति की ऑल न्यू कंपनी फिटेड CNG कार है, और भाई हमारे हिसाब से अगर एक कॉम्पैक्ट SUV तो नहीं कह सकते, मारुति की कही जाने वाली SUV आपके जो है ठीक सामने है, जो कि आपको CNG में अवेलेबल हो जाती है। तो गाड़ी तो आप देख के समझ गए होंगे, और इसका VXI CNG मॉडल है, जिसमें आपको पावर विंडोज, ऑडियो सिस्टम का कंट्रोल सब कंपनी फिटेड मिल जाता है। और आप देख सकते हो कि जो इंटीरियर का यहाँ पे फिनिश हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, जो ब्लू का इंसर्ट्स यहाँ पे हमने कंपनी में इसमें इंस्टॉल कराया था, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और ये आप देख सकते हो कंपनी फिटेड सीट कवर्स जो अलग से रखे हैं, बॉडी कवर और आपकी और भी एक्सेसरीज जो बेसिक सी होती है। तो भाई 12 किलो का जो सिलेंडर है वो इसमें कुछ इस हिसाब से आ रहा है, मेरे हिसाब से अब इसमें कोई भी बूट स्पेस की आशंका नहीं है। और जब तो भाई आप देख सकते हो कि इसमें आपको साफ साफ इंट्रेक्शन दे रखे हैं भाई, फोल्ड रियर सीट, मतलब इसको जो है आपको सीट को पूरा फोल्ड करना पड़ेगा, जिससे आपका जो है ये जो है पहिया इधर से निकलेगा। भाई इसका तरीका समझ लीजिए भाई, काफ़ी ज़्यादा कठिन है, अगर आप इसमें कुछ लोग बैठे हैं ना तो आपको उतरना पड़ेगा, आपको सामान हटाना पड़ेगा, तब जाके आप इससे जो है इसका स्पेयर व्हील निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ भी हो, इस गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा है इन द कंपनी फिटेड CNG वेरिएंट। अगर आप ऑल्टो को लेने का बाय कर रहे हैं, ऑल्टो के CNG वेरिएंट से इसका जो एस्प्रेसो CNG मॉडल है भाई, अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा लगता है, और एक्सेसरीज के साथ आपको ये गाड़ी आराम से मिल जाती है। और मेरे हिसाब से माइलेज जो है इसमें आपको हंस के 25 या 24 का आराम से मिल जाएगा, और उससे ज़्यादा भी मैं कह सकता हूँ, कम नहीं कहूँगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हो गाड़ी का फ्रंट लुक कितना ही बढ़िया है भाई, और मैं आपको एक बार फिर फ्रंट से शुरुआत करता हूँ, जो आप देख सकते हो दिस इज़ द ऑल न्यू मारुति एस्प्रेसो VXI CNG मॉडल, जो कि आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाती है। मेरे हिसाब से अगर वैगनार CNG से कंपैरिजन करें तो बस वैगनार में आपको जो है ऊंची ऊंची सी मिलती है, हालांकि वैगनार से काफ़ी नीचे है, और इसका जो टायर साइज़ है भाई वो भी आपको जो है R14 का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आपको वैगनार की CNG मॉडल में भाई R13 प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इसके मॉडल के CNG में आपको R14 का मिल जाता है। तो भाई बड़े पहिए का अलग ही मज़ा है, जैसा आप सभी जानते हो, और जो क्लैडिंग है ब्लैक कलर की भाई काफ़ी सुंदर लगती है इस गाड़ी में, आप देख सकते हो ब्लैक कलर के ही आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिलेंगे, और ORVM भी आपको जो है कुछ ऐसा ही नॉर्मल सा मिलता है। देर आर नॉट पावर एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, जो आप देख सकते हो। बी पिलर आपको पूरा का पूरा वाइट ही प्रोवाइड किया जाएगा, और रूफ रेल्स वगैरह इस गाड़ी में कुछ नहीं आती है। और मैं आपको इसका जो है बूट अप क्लोज करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो भाई कितना ही सुंदर लग रहा है ये। आपको यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैक कलर का इसमें अलग से इंसर्ट लगाया गया है, जिससे गाड़ी की जो ओवरऑल लुक है भाई और ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और पीछे आपको जो है दो पार्किंग सेंसर्स वगैरह सब दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है। मारुति एस्प्रेसो की ये बैजिंग, ऊपर आपको CNG का लोगो, ये सब चीज़ें दे रखती है। स्टॉप माउंट लैंप भी आपको यहाँ पे ग्लास के अंदर ही देखने को मिलेगा, अलग से आपको स्पॉइलर पे नहीं आता है। तो ओवरऑल भाई एस्प्रेसो CNG काफ़ी अच्छी गाड़ी है, प्राइस आपको मैं आपके स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। और जो ओवरऑल जो भाई एक बिल्ड है ना इस गाड़ी की, मैं आप सभी की बातें से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि भाई जो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है सच में इतनी अच्छी तो नहीं है, जैसा आप सभी जानते हैं। बस ये है कि छोटी SUV वाला फील ये गाड़ी हमें ज़रूर प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फेंडर, आपको फेंडर पे इंडिकेटर दे रखा है, यहाँ पे आपको मिसिंग है, कोई बात नहीं। और फ्रंट में जो ग्रिल है भाई काफ़ी सुंदर लगती है, क्रोम के इंसर्ट्स, आपको बीच में मारुति का लोगो, नीचे आपको ब्लैक कलर का पूरा बम्पर, हेलोजन हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं विद द टर्न इंडिकेटर, और इसमें जो है ये नॉर्मल से आपको जो है यहाँ पे फॉग लैंप्स भी लगाए गए हैं पार्किंग लाइट पे। तो अब चलते हैं एस्प्रेसो के इंटीरियर में,
तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक का ही फील आएगा, ये अलग से इन्होंने इंस्टॉल करा हुआ है, इस चीज़ को मत ज़्यादा गौर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको डोर पे कोई भी कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे, सब स्पेस, ये सब चीज़ें हैं। और ओवरऑल हम लोग आ चुके हैं दौली मारुति एस्प्रेसो के इंटीरियर्स में, जो कि काफ़ी सही है। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिजिटली स्पीडोमीटर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और गाड़ी के अंदर भाई मच्छर घुस चुके हैं, जो कि काफ़ी मुझे परेशान कर रहे हैं। और गाड़ी की बैटरी है एक्चुअली इस समय लो, जिससे मैं गाड़ी के इंजन को कतई स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो एस्प्रेसो में कभी कदार जब आप जो है इसको आइडल रखते हैं तो इसमें बैटरी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो भाई जो इंटीरियर है काफ़ी शानदार है, जिसका स्पीडोमीटर काफ़ी सुंदर लगता है। टेम्पल लगाने की जगह यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं लग सकता है, आई थिंक सो ये इधर लग सकता है या उधर लगेगा, जैसा भी हो। और यहाँ पे आपको स्पेस अच्छा दे रखा है, यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस, ग्लोव बॉक्स कुछ ऐसी साइज़ का है यहाँ पे। और आप देख सकते हो भाई कितने सारे मच्छर हैं, चलो कोई नहीं। और नीचे आपको कुछ ऐसा स्पेस दे रखा है यहाँ पे, दो कप होल्डर्स का, और USB ऑक्स का सपोर्ट है, काफ़ी सही है। और यहाँ पे USB ऑक्स का सपोर्ट नहीं है, सॉरी ये ब्लैंक है। ऑडियो सिस्टम आपको दे रखा है यहाँ पे, कॉल डिसकनेक्टिंग कनेक्टिंग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला। और ये है USB ऑक्स का सपोर्ट, जो मैं इतनी देर से कह रहा था। तो ओवरऑल ठीक है, आपको सेम वैगनार की VXI का यहाँ पे ऑडियो सिस्टम दे रखा है, कोई कुछ खास भी नहीं कह सकते। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा छोटा सा IRVM दे रखा है, वैनिटी मिरर आपको नहीं है, ना ही टिकट होल्डर है। और छोटी सी आपको यहाँ पे रूफ लाइट दे रखी है सिंगल, पीछे आपको कोई भी रूफ लाइट नहीं दे रखी इस गाड़ी में। लेकिन भाई CNG होने के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में, जैसा आप सभी जानते हैं। तो कुछ ऐसी एक्सेसरीज यहाँ पे पीछे पड़ी हुई है। और पावर विंडोज़ के एडजस्टमेंट, जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हज़ार्ड लाइट आपको ये दे रखी है। और गाड़ी में अभी जो है बैटरी लो होने की वजह से मैं इसका कुछ जो है आपको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल एस्प्रेसो CNG आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, और CNG की एक बहुत ही बेस्ट कार है मेरी समझ से। तो भाई ये वैगनार CNG में आपको कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे ऑडियो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। और इतना भी खास कुछ नहीं है वैगनार CNG को अगर देखा जाए, क्योंकि भाई R13 का टायर मिलता है, जो कि काफ़ी छोटा है हमारे हिसाब से। और इस गाड़ी में आपको R14 का विद CNG एंड ऑल द थिंग्स मिल जाता है, और वैगनार से गाड़ी सस्ती पड़ती है एस्प्रेसो CNG। तो भाई इस गाड़ी को लेना भी ज़रूर आपसे वर्थ बन जाता है। बस हाँ ये चीज़ है भाई कि टॉल बॉय नहीं इसको हम कह सकते, जैसा वैगनार में आपको अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, यहाँ पे हाइट थोड़ी सी कम है। जैसा आप देख सकते हो मैं ड्राइवर साइड में बैठा हूँ तो मुझे इतना मिल रहा है, तो भाई 6 फुट का जब बंदा बैठेगा ना तो उसको काफ़ी छोटी लगेगी ये गाड़ी, कसम से बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है एक बार फिर खोल के दिखा देते हैं, CNG का स्विच यहाँ पर दे रखा है आपको, काफ़ी सही है। और DRL का भी आपको यहाँ पे लाइट दे रखा है, जो इन्होंने फ्रंट में अलग से लगाया है एस्प्रेसो में। तो भाई एक्सेसरीज़ का जो कॉस्ट है वो अभी हमें पता नहीं, लेकिन हम लेटर में मेंशन ज़रूर कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो, आई थिंक यहाँ पे स्पीकर का भी इंस्टॉलेशन हुआ है, जो एक्सटर्नल इन्होंने लगा रखा है, क्योंकि काफ़ी ठीक लग रहा है डब्बा सा। तो भाई हम लोग आ चुके हैं एस्प्रेसो के रियर सीट्स में, तो ये भी भाई बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे, अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है लेग रूम। और हेड रूम यहाँ पे थोड़ा सा भाई कम है मेरे हिसाब से, तो धचके में आराम से मैं लड़ जाऊँगा, कसम से बता रहा हूँ। अगर अच्छी हाइट का बंदा हुआ तो आराम से वो लड़ जाएगा भाई। तो थोड़ा सा स्पेशियस केबिन नहीं हम कह सकते हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से भाई अगर नॉर्मल दो बंदे बैठ गए ना तगड़े तगड़े, तो भाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे स्पेस बचती है। तो एक छोटी CNG कार की अगर आप तलाश कर रहे हैं ना, तो आपकी ये तलाश ज़रूर पूरी हो जाती है। और यहाँ पे आप थोड़ा ही सा बूट स्पेस तो भाई ना ही के बराबर है इस गाड़ी में मेरे हिसाब से। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल एस्प्रेसो CNG आपको एक अच्छा माइलेज तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, और एक मतलब जो है बड़े पहियों वाला फील है। जैसा आप देख सकते हो भाई वो खड़ी है इसकी R12 साइज़ की, मतलब R12 के पहिए आते हैं उस गाड़ी में, तब भी वो CNG में खूब बिकती है भाई, जैसा आप सभी जानते हो। तो भाई ऑल्टो की अगर हम कॉस्टिंग की बात करें CNG वेरिएंट की ना, तो भाई ऑल्टो की जो CNG वेरिएंट है वो भी आपको अराउंड पड़ती है 5.5 लाख रुपये की। ये गाड़ी आपको करीब करीब 6 लाख या 6.25 लाख की पड़ती है CNG वेरिएंट। तो भाई मेरे हिसाब से इस गाड़ी को लेना ज़्यादा वर्थ बन जाता है, क्योंकि भाई
जो आपको यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड मिलेगी, ऑडियो सिस्टम कंपनी फिटेड मिलेगा, प्लस जो मेन मैं बात कह रहा था टायर साइज़ की ना, R12 से आपको यहाँ पे R14 का अपग्रेडेबल टायर मिलता है। तो भाई मेरे हिसाब से CNG में इस गाड़ी को लेना ज़्यादा वर्थ बन जाता है एज़ कम्पेरिजन टू ऑल द फीचर्स एंड ऑल द थिंग्स। तो बूट स्पेस आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा इन द CNG वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताया एक बार फिर। तो भाई ये था ओवरऑल हमारा एक वर्क अराउंड रिगार्डिंग CNG एस्प्रेसो जो हमने पहला आज वीडियो बनाया, जो कि काफ़ी सही रहा। तो भाई वीडियो को जो है एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको एस्प्रेसो CNG के रिगार्डिंग और भी कोई डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऑल द कवरिंग ऑफ ऑल द CNG कार्स हमने अपने वीडियो में ज़रूर डाल रखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे ज़रूर जा सकते हैं माई अर्टिगा CNG पे, जिसमें आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।